मेरे बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, चांद सा सुंदर वंदन। ओम ओम। इस ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र वेला में आप सब योगी भाई बहनों का भारत स्वाभिमान गुजरात की ओर से आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। योग का मतलब जोड़ना, स्वास्थ्य से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना, शक्ति से जोड़ना। जब पहले योग की बात होती थी तो हिमालय का नाम स्मरण हो आता है, लोग योग सीखने के लिए हिमालय जाते थे। आज हिमालय से एक योगी, एक शांत, एक महायोगी हमारे बीच चलकर हमें योग जाए, ऐसे साधु युग पुरुष, युग प्रवर्तक, राष्ट्र संत पूज्य स्वामी जी महाराज का इस हिम्मतनगर में हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना रही है। पूज्य स्वामी जी महाराज नहीं, पूरी दुनिया में योग और भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ा है। योग के बिना कोई समाधान नहीं है। जीवन को स्वस्थ और सफल बनाने के लिए तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज महाराज के सानिध्य में हमें योग सीखने का अवसर मिल रहा है और हम अब यहां लगभग 3 घंटे तक निरंतर योग करेंगे। आज हिम्मतनगर में प्रथम दिन है, इस प्रथम दिन की शुरुआत इस सर कुछ गणमान्य व्यक्ति, हमारे इस मिशन के समर्थक, दानदाता, सहयोगी भाइयों का मैं नाम लेता हूं, उनके शुरुआत करते हैं। आदरणीय जो हमारे जिला प्रमुख हैं साबरकांठा अरवली की, आदि गणपत भाई जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, आदरणीय श्री मनीष भाई शाह, आदरणीय श्री प्रकाश भाई पटेल, आदरणीय श्री गिरधर भाई, आदरणीय श्री राजू भाई, आदरणीय श्री जेडी पटेल साहब, वो आएंगे और दीप प्रज्वलन करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता है वो आएंगे मंच पर। आदरणीय विवेक भाई, आदरणीय अशोक भाई सलूजा, आदरणीय प्रकाश भाई वैद, आदरणीय अश्विन भाई, आदरणीय योगेश भाई, आदरणीय हितांश भाई, आदरणीय बाबूलाल भाई परमार, सभी
योग साधक आएंगे और पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमारे हिम्मत नगर में बाहर हैं। दो वर्ष पहले हमने एक जनसभा की थी, मगर योग शिविर यहाँ प्रथम बार हो रही है। तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में सुबह उठकर आए हैं, फिर से आपका स्वागत है। और पूज्य स्वामी जी महाराज जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक निरंतर मेरा पूरा देश स्वस्थ कैसे बने, मेरे देश के 125 करोड़ भाई बहन निरोगी कैसे बने, मेरे देश का दुख दर्द और पीड़ा कैसे दूर हो, उसके लिए निरंतर पूरे देश में घूम घूम योग करवा रहे हैं। तो मैं पुनः स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, नाम करता हूं और ये मंच उन्हें समर्पित करता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज। भाई शेषपाल जी जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान पराक्रमी युवा राज्य प्रभारी हैं, भाई शेषपाल जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आइए अब सब सीधे बैठ जाते हैं और योग के अनुष्ठान के लिए आप इतनी प्रभात में जग करके आए हैं, अब उस का क्रियात्मक अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए वह परमात्मा जो सृष्टि के कण में और हमारे हृदय में विराजमान है, सब जगत चेता, सबका नियंता, सर्व शक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य अविनाशी दयालु कृपालु परमात्मा, उस प्रभु की महिमा का अनुभव करते हुए, उसके अनुग्रह को, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए, उसकी प्रार्थना उपासना करते हुए, उसकी भक्ति में तल्लीन होते हैं। स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदया। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्युर्मुक्षीयमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद अब योग का क्रियात्मक प्रारंभ करेंगे। योग के मुख्य रूप से दो पहलू हैं, ऐसे तो बहुत से आयाम हैं योग विद्या के, उसमें दो प्रमुख पहलू हैं, दो बड़े एस्पेक्ट हैं। एक योग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दूसरा उसका फिलोसॉफिकल दार्शनिक आध्यात्मिक उसका एस्पेक्ट पहलू पक्ष आयाम। दार्शनिक रूप से हर ब्रह्म तत्व की अनुभूति करना, जो हम आंखों से देखते हैं ये स्थूल सत्य है, क्षणिक सत्य है। इस पिंड और ब्रह्मांड में जो अंतिम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है, उसको प्रतिपल अनुभव करना और उसके साथ एकाकार होकर के जीना, प्रतिपल ब्रह्म भाव में जीना, ये योग का आध्यात्मिक पक्ष है। इसके बारे में आपको प्रबोधन भी देंगे और ये सज है। दूसरा योग का व्यवहारिक पक्ष है और उसमें क्रियात्मक रूप से व्यायाम आसन है, प्राणायाम है और फिर ध्यान समाधि और फिर में पूर्णता की प्राप्ति, पूर्ण जागृति, पूर्ण समर्थ, पूर्ण पुरुषार्थी बनना है आपको। आइए अब योग के व्यवहारिक पक्ष की शुरुआत आज हम व्यायाम के साथ करेंगे। एक काम ऐसा है यदि पूरा हिंदुस्तान शुरू कर दे तो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा और अच्छा जहान बनेगा। और वह एक काम यह है, सुबह जल्दी उठो और 1 से 2 घंटा योगाभ्यास करो, फिर जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। जो सुबह जल्दी उठ करके 1 से 2 घंटा योगाभ्यास कर लेंगे वो जीवन में पुरुषार्थ करेंगे और जो पुरुषार्थ करते हैं उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हो जाता है। आज हिम्मत नगर में हूं और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप है रखो, हौसला रखो। उद्यमा साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेत यत्तंति तत्र देव सहायक। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं हौसले के साथ, हिम्मत के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। भगवान भिखारियों को नहीं, मैं बार बार कहता हूं, अधिकारियों को देते हैं। इंद्र इच्छरता सका, चलो खड़े हो जाओ, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, ठीक है। इस प्रार्थना के साथ आज हम इस योग के साथ आगे बढ़ेंगे और हम पहले योग का जो मुख्य पैकेज है ना, योग यूं तो बहुत बड़ी विद्या है लेकिन उसमें कर क्या है, उसमें करना है 12 व्यायाम और 12 व्यायामों में सबसे पहले हम कराएंगे योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमन,
और 12 व्यायामों में सबसे पहले हम कराएंगे योगी फिर थोड़ा कठिन व्यायाम जवानों के लिए पूर्ण व्यायाम एडवांस एक्सरसाइज विशेष व्यायाम बुजुर्गों के लिए सूक्ष्म व्यायाम व्यायाम के 3 चरण होंगे व्यायाम और ध्यान में प्रवेश करेंगे लंबे लंबे सांस व्यायाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं पूरी दुनिया में व्यायाम के ऊपर रिसर्च हुआ के एक्सरसाइजेस के ऊपर रिसर्च करके पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पहुंचे कि 20 मिनट का वैज्ञानिक रूप व्यायाम किया जाए ये पहला है फिर ये दूसरा जो हिमू थ जोर थी करो तो हाँ जेटलो थाय सांभळो 20 मिनट का तेज व्यायाम करना ना रहेगा मोटा न शुगर न कोलेस्ट्रॉल न कोई बीमारी न कोई निराशा लंबे लंबे सांस भरना हिम्मत के साथ हौसले के साथ हंसते उत्साह से एकाग्रता से हर रोज करना नियम बना लो सुबह उठ करके मुझे योग करना ही करना है कुछ भी हो जाए इसके बाद सब काम करें हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए जेनेटिक जेट्रू था जितना होता है ठंड भी नहीं लगेगी बाबा जी सर्दी से ये योग करे ना इन्हें सर्दी नहीं लगे इन्हें बीमारी नहीं लगे इन्हें जीवन में कोई बुराई ना हो बीमारी से बुराई से अज्ञान से अभाव से अन्याय से दुख से दरिद्रता से बाहर निकालो हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया टूटे हुए दिलों को मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया टूटे हुए दिलों को सीना को आ गया ऐसे देवताओं ऐसे देवताओं के चरणों पखारिए ऐसे देवताओं के चरण पखारिए उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए उनकी बनके जिंदगी गुजारिए उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए लंबा उड़ा सांस भरो आनंद साथ प्रसन्नता साथ प्रसन्नता के साथ आनंद और उत्साह के साथ एकाग्रता के साथ ये योग का सिद्धांत है जब जिस काम को करते हो दिल लगा के पूरे उसमें समाहित हो जब योग कर रहे हैं तो केवल योग करना जब काम तो केवल काम जो सो रहे हैं तो केवल सोना जब जिस काम को करते हैं पूरा दिल लगा के करो तो उसी से खुशी मिलती है आनंद मिलता है
खूबसूरत होने चाहिए ना, फूल की पंखड़ियों की तरह खिला हुआ है ना, उभरा हुआ सीना, अंदर धसा हुआ पेट, कसी भी कमर, जगहें बुझाएं, बहुत सुंदर होनी चाहिए ना सब। पूरी बॉडी अपसेट हो गई है, पूरी बॉडी की सेटिंग करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। स्वस्थ भरो काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी गुजारिए। जाड़ा जाड़ा छे ना अने जाड़ी जाड़ी बहनो छे ना एना माटे खूब सारू छे, जो मोटे है जो मोटी है, जाड़ा जाड़ियों के लिए, डुम्बा डुम्बियों के लिए बच्चे पड़े खोटू लगे से बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, खराब लगे ना એને ઓછું કરવા માટે આ 10-50 બાર કરી શકો તમે અને પાત્ર થઈ જશો, જો આપ ચાહેંગે વહી જિંદગી મે પાયેંગે, જૈસે ચાહેંગે વૈસે હી બન જાયેંગે, યોગ એક કલ્પ વૃક્ષ કી તરહ હૈ, કલ્પ વૃક્ષ કલ્પનાઓ કા વૃક્ષ વો કિસી ને દેખા નહીં, લેકિન યોગ કલ્પ વૃક્ષ, જૈસા સંકલ્પ કરોગે વૈસે હી બન જાઓગે, તન સે મન સે जीवन में गहरा रूपांतरण पाओगे, क्रॉस करके करो मेरा विश्वास। यहां और यहां के आगे और पीछे के मांसपेशियों की ट्यूनिंग के लिए सब कुछ सेट है, पति पत्नी सेट है, बिजनेस सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, खुद आप सेट, अपनी ट्यूनिंग ठीक नहीं है, हो सकता है घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में सेटिंग हो सकता है उसके अंदर ट्यूनिंग हो, लेकिन अपने शरीर की इंद्रियों की, मन की, आत्मा और परमात्मा की भी तो ट्यूनिंग होनी चाहिए, योग से होगी। कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना, बस इतना ध्यान रखना, लंबे लंबे सांसों के साथ। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे कर अपना, गिले शिकवे कर अपना, हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसा जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए।
जो ठंड भागी गई ना ठंडे लागे से, तो ना सर्दी लगेगी ना बीमारी लगेगी ना बुराई लगेगी। तत्त्वम शिष्येत के तो प्रज्ञानम ब्रह्मा महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। आप तो अजर अमर नित्य विनाशी सदा पूर्ण आत्मा। सुनो अब दूसरा पैर पास में तीन चरण है व्यायाम के, करोगे ना पग पास में करो तो हाथ नमस्कार निमुद्रा में। व्यायाम के ऊपर मैंने कहा बहुत आवश्यक, और अब सब वैज्ञानिक इस रिसर्च पर पहुंचे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सूर्य नमस्कार एक पूर्ण व्यायाम है। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, साइंटिफिक एक्सरसाइज, ऑथेंटिक एक्सरसाइज, बेनिफिशियल एक्सरसाइज। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना धीरे धीरे करो तो जितलू थाए करवाना, कमर में दर्द हो तो आगे नहीं बढ़वाना। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक एक डोंट बेंड फॉरवर्ड, ऑलवेज रिमेंबर श्वास बाहर का धीरे कोशिश करो, माथा घुटने से लेके धीरे धीरे करा रहा हूं। फिर दाएं ना पैर दोनों हाथों के बीच में रखना, जमना पगने बने हाथों ने वच्चे राखो, ढाबा पग पाछल ले जाओ जुआम, अरे जमना पग ऊपर बेसी जाओ तो खूब सरस करे छे। हिम्मत नगर वाला तो खूब हिम्मत वाला छे, आ जमना पग ने पाछल ले लो तो पछी घोटन जमीन ऊपर, छाती थोड़ी जमीन ऊपर, पछी सामे थी उचको तो ओ खूब सरस। ये तो तैयार योगी है हिम्मत नगर वाले। ऊंडा सांस भरो, जारे पाछळ वळवानो होय ना त्यारे सांस अंदर भरवानो होय, जो आम पछी आगळ वळवानो होय तो सांस बाहर काढो, पछी डाबा पग आगळ लई आओ। पहले जमणो पग आगळ होतो ना तो दाएं बाएं पैर का, हाथों का, पेट का, पेट का, भुजाओं का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है ना इसमें। पछी जमणा पग आगळ लई आओ, श्वास बाहर काढ़ो, आगे झुको, फिर श्वास अंदर भर के पीछे, होले होले, पछिया, बे बार थी शुरुआत करीने 10 बार, अने जो वधारे करवानो होय तो 100 बार पण तमे करी सको, बीवानू नहीं, डरना नहीं, श्वास अंदर भरना। झुको तो आगे, फिर दाहिने पैर पे बैठो, लय के साथ मारे साथे साथे करो बदा, बहुत सरस। पछी जमना पगने पाछळ लई जाओ, पछी आगळ वळो, झुको, सामने से ऊंचको, फिर बीच से उठाओ, बाएं पैर आगे ले आओ, फिर दाहिना पैर आगे ले आओ, बी बार थी क्या ना, ऐसे 10 बार तक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। बैठ जाओ, बिसी जाओ बता, बहुत प्यारे हैं हमारे भाई बहन, बहुत अच्छे हैं। संभलो, ऐसे बैठो, आम अच्छे ना 12 दंड 8 बैठक से कितना थया 20 अभ्यास, कितने 12 दंड 8 बैठक 20 अभ्यास। जो 20 अभ्यास कर लेगा ना वो 100 साल में भी 20 साल जैसा ही लगेगा। तो बताने जवान रहवानो से ना, तो जवान रहवा माटे तो थोड़ी मेहनत करी भी पड़े ना। अरे धन धन कमाने के लिए, धनवान होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हा? तो युवान और जवान बने रहने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सुबह सुबह थोड़ी देर की मेहनत और 100 साल की जवानी गारंटेड। लंबा सांस,
ध्यान करो पछि आ ए तो बधा जवान छे हिम्मतनगर वाला लंबा ऊंडा सांस भरो ए दो ऊपर उचको तीन ऐसे और ये सच्ची बता रहा हूं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं खाली हाँ आखी दुनिया में एवी हिम्मत वाला नगर हिम्मत वाला हिम्मत नगर मां जुवा मां मळे हां जो ए दो तीन बहनों पर खूब हिम्मत वाली छे लंबा सांस भर के ए दो तीन पांच करना है पूरा पछी दस थी शुरू करी ने सोवार सुधी तमे करी सको छो हां एक धीमे धीमे करो ना ऐसे आवी रीते बधा करशो ना नहीं डरशो डरना नहीं तो इससे भुजाएं जंघाएं पूरा शरीर खूबसूरत बनेगा फूल की पंखड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए शरीर पूरी बॉडी की ट्यूनिंग फर्स्ट क्लास होनी चाहिए पूरा शरीर पूरी बॉडी सेट होनी चाहिए ना अब सेट हो रखी है ना हम बार दंड से कितनी 12 है दंड है 8 बैठक है बता कर शो क्यों बोलता नहीं भाई सच्ची ये अभी मिश्र दंड किया ना आपने जैसा हिम्मत नगर वालों ने हिम्मत करके किया ऐसा कहीं नहीं किया सच बता रहा हूं आपको बड़े हिम्मत वाले हो हिम्मत नगर वाला हिम्मत वाला छे तो संभलो जे मोटी उम्र वाला छे ना ये बटरफ्लाई करी लो बटरफ्लाई एक बार तो बधाज करी लो ये खूब सारू छे जे मोटी उम्र वाला छे ना ये बटरफ्लाई करजो आम पछी पछी आम बेसी ने आम करो ऊंडा सांस भरो नहीं काढ़ो ये भस्त्री कपड़न ये तो बता करी सके खूब सरल छे है ना पछी आ कपाल में ये तो बता दी था ना कितलो सरस है ना टीवी पर देखना अच्छी बात है वो डिस्टेंस लर्निंग है डिस्टेंस एजुकेशन गुरु से प्रत्यक्ष ज्ञान पाना ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और प्रत्यक्ष ज्ञान जीवन में फलीभूत होता है वो ज्ञान दीक्षा बन जाता है तो योग तो तमे टीवी ऊपर पण सीखी सको छो पण योग दीक्षा गुरु ना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मां ज मळती होय छे आ बे वातनो खूब ज मोटो महत्व छे ज्ञान अने ज्ञान दीक्षा योग अने योग दीक्षा मैंने कहा योग तो टीवी पर भी सीख सकते हो लेकिन योग दीक्षा योग जीवन में आचरण में आएगा गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में और गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है वो हमारी सोई हुई चेतना को जगा देते हैं वो उस परमात्मा से मिला देते हैं जीवन के अंतिम शाश्वत नित्य सत्य का बोध करा देते हैं इसलिए समझो भस्त्रिका ने कपाल भाती ये तो सब करते रहना और ये दो प्राणायाम तो सब करेंगे और जो जवान जवान ज्यादा ही बलवान बनना चाहते हैं ना कितने दिन लगेंगे 3 महीने में भाई देखता हो गांव हो या शहर हो युवा ना आवे ना बाबा जी बॉडी बनानी है बॉडी कैसे बनेगी ताकत कैसे आएगी ताकत दवा खाने से नहीं आएगी सुन लो ताकत बाहर नहीं भीतर है ज्ञान बाहर नहीं भीतर है प्रेम बाहर नहीं भीतर है शक्ति सामर्थ्य भीतर है भगवान भीतर सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है तो समझो
जे बड़ी उम्र वाला छे ना, ये तो भस्त्रिका का कपाल भाती कर जो, और जो जवान है ना वो मेरे साथ 12 दंड 8 बैठक लगाना। 3 महीने में आपका शरीर बहुत खूबसूरत बन जाएगा और 9 महीने में तो इतने सुंदर बन जाओगे कि आस पड़ोस के लोग भी देखने के लिए आएंगे। अरे सच्ची बात बता रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत बन गया, इसकी बॉडी देखो है, इसका माइंड देखो, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, इसका करेक्टर देखो, वह जिंदगी हो तो ऐसी, ऐसा जीवन होना चाहिए आपका, ऐसा बनना है सबको। हाँ थवानों से ना बताने लोग कहे, अरे भाई जीवन हो तो ऐसा, आरोग्य हो तो ऐसा, फिटनेस हो तो ऐसी, करेक्टर हो तो ऐसा, बॉडी का स्ट्रक्चर हो तो ऐसा, इसकी वाणी, इसका व्यवहार, इसका आचरण, इसका जीवन देखो कितना खूबसूरत है, अपना भी मन ललचाता है। चलो सबड़ो भस्त्रिका कपाल भाती करते रहना, जो 40 साल से हौसले से 8 बैठक में 5 मिनट में ये फिनिश करूंगा, बाकी आप जो नहीं कर पाए वो भस्त्रिका कपाल भाती कर लेना। जवानों को जवान भी तो बनाए रखना है ना, जवान रहेगा हिंदुस्तान सुबह उठ करके करेगा व्यायाम। सब धरती कागद करूं, 5-5 बार कर लेना, 2 बारी कर लेना, नहीं तो थाकी जैसे लेखनी सब बन रहा रे। सामान्य दंड के बाद ये रामूर्ति दंड, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जा। वक्ष विकास दंड, सीना चौड़ा भुजाएं मजबूत। तीसरा आवा महाद्र, गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागूं पार। तीसरे की बात चौथा हनुमान दंड, हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी जैसे ही बनो, हेल्थ फिटनेस के वो देवता है, सबसे बड़े रोल मॉडल आइकॉन है ना, हनुमान जी को याद करें मेरे साथ साथ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता, बैठ के गुरुवर के चरणों, हरे हरे ये आपने 12 दंड 8 बैठक लगा लिए तो आसन करने की जरूरत ही नहीं, पूरे आसन हो जाएंगे। यो ऐसे थोड़ा हौसला रखो, जवान जवान तो करो, ये पार्श्वधनु, फिर चक्कर दंड 2-2 बार कर लेना, जो ऐसे बैठो ऐसे करो करो, जवानों हौसला रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत न करवालो, ये अटके हटके जब प्राणी, मन अटके हटके जब आजा तू इन के द्वार, मन अटके हटके जब प्राणी आजा, एक मोटा ने किया पूरा ही घूम गया। मन अटके हटके जब प्राणी, मन अटके हटके जब प्राणी आजा तू इन के द्वारे, इनके प्रेम समुंदर में तू
गोते खूब लगाए जा बैठ के गुरु लास्ट जे पहले करा भी ए मिश्र दंड ये तो बधाई सारू करी हो तू ना ये तो सबने किया था देखो ऐसे ये मिश्र दंड दंड बैठक दोनों आ जाते हले हले एक बार थी चलो बताओ भतीजा खड़े हो जाएंगे बता जो भतीजा पहले ऊपर से मजबूत बनाया अब नीचे से मजबूत बनाएंगे पूरा मजबूत बनाना है सबल इंसान सबल हिंदुस्तान सबल भारत बनाना है बोलो भारत माता की पढ़ सो नहीं कर सो बजरंग
ये जवानों के लिए है। जवान जवान दिखाओ दिखाओ, जो युवानों छे ना इधर रोज कर जाओ। चलो जवानों को, बच्चों का आपको करवा देते, फिर बड़ों वाला आसन करेंगे। हाथ ऊंचा करो तो, श्वास बार छोड़ो आगे तो। तीनों लोक तेरा पुजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा, ये जगवंदन केसरी नंदन, हे सर्वांगासन कष्ट हरो हे कृपानिधान, कष्ट हरो हे कृपानिधान, मंगल मूर्ति राम दुलारी, आन पड़ा तेरे द्वारे, हे बजरंग हनुमान जी को याद करके सुबह सुबह उन जैसा ही बनना। हमें खुद राम जैसा बनना है, खुद राम बनना है, खुद घनश्याम बनना है, खुद हनुमान बनना है, खुद शिव बनना है, खुद ही दयानंद और विवेकानंद बनना है। तुम वही हो तत्वमसी श्वेत केतु। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग एक साल से पतंजलि घी की जो शॉर्टेज चल रही थी, उसको पूरा करने के लिए संस्थान ने पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत में, गाय के दूध व घी को सुनो ऐसे बैठो, सोना माटे आसन सबके लिए आसन। हाँ, व्यायाम के तीन पैकेज हो गए ना, फर्स्ट योगिक जोगिंग, सेकंड सूर्य नमस्कार एंड थर्ड दंड बैठक, तीन चरण हो गए। आपको बेसिक एक्सरसाइज से लेकर एडवांस एक्सरसाइज एक ही दिन में सब कुछ सिखा दिया। पहले से भी आप सीखते थे ना, पहले डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा था आपका। सबसे बड़ा डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम पूरी दुनिया में आस्था चैनल के माध्यम से चलता है, जहां करीब 10 करोड़ लोग हर रोज योग सीखते पूरी दुनिया। अरे आज ये हिम्मत नगर वाला कार्यक्रम भी पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अरे हिम्मत नगर तो जागा हुआ, ऐसे पूरा देश जाग जाएगा, देश जगेगा, आगे बढ़ेगा। अंगूठा अंदर, मुठिया बंद, 12 आसन रोज करने। ये आसनों का मेन पैकेज दर रोज करना, कठिन आसन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कराने चाहिए कठिन आसन भी। कल सब बच्चों को भी लेके आएंगे, आज भी कुछ बच्चे आए हैं, जवान आए हैं, कल पूरा हिम्मत नगर यही होगा, पूरी परिवार के साथ आना है। बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं ना, कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं, बच्चे गलत रास्ते पर ना चल पड़े, उनको कोई बीमारी ना हो जाए। योग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, स्वस्थ बनेंगे, बलवान चरित्रवान बनेंगे। देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, मंडूकासन पेट और डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है, रोज करना। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे जगे, देश जगे देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे।
श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, डायबिटीज तो पेट के लिए बहुत जरूरी है। जिनको डायबिटीज की बीमारियों खेरा करेला टमाटर का जूस ले लेना, मधुनाशिनी गिलोई घनौटी नीम घनौटी ले लेना। और जो पूर्ण स्वस्थ है सुबह उठ करके बस ये आसन प्राणायाम करना, आंवला एलोवेरा और गिलोई का सेवन कर लेना, उठे नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, लाचार नहीं होंगे। श्वास बाहर काढ़ो, आगड़ बढ़ो। स्वर्णिम युग इतिहास जगे, स्वर्णिम युग इतिहास जगे, निज गौरव विश्वास जगे। स्वर्णिम युग इतिहास जगे, निज गौरव विश्वास जगे, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित, धरती और आकाश जगे जगे, देश जगे जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, देश जगे विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। हाथ ऊपर, पूरे जागरूक होकर के उत्कृष्टता जागृत, यो जागरतम चक्र, यो जागरतम सामान्य। दोनों हाथ साइड से लीजिए। जीवन में जागरूक रहना, जागरूकता का नाम ही योग है। सामने पैर खोल, हर रोज ये योग करना है, जागरूक रह करके। लोग धर्म, स्वदेशी धर्म, राष्ट्र धर्म, स्वधर्म को निभाना है। जमना पगवाड़ी लो, बाबा ने सीधू रखो, दाहिना पैर मोड़ा, दाबा सीधा है। दाबा हाथ नाम बच्चे की मुकुट, बाएं हाथ कैसे डाला, ऐसे घूम जाओ, कितना अच्छा है ना, पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए। बंधु बंधु के प्यार जगे, बंधु बंधु के प्यार जगे, एक लहू ऊपर से ऐसे करो। तुम्हें पण करो सो ना, नहीं तो तू हो तो एक्टिंग तो करो। खुद जागना है, सबको जगाना है, अच्छा इंसान बनाना, अच्छा हिंदुस्तान बनाना, ऋषियों का भारत बनाना, स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाना है। जागना, हर पल जागना, जागरूक रहना, विवेकशील रहना, होश में रहना, समझ पूर्वक, संबंध पूर्वक, सुख पूर्वक जीना, रोंग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन से बचना। कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, पेट के लिए, हाइड्रोसिल के लिए। चलो उंधा सोई जाओ बता, कमर के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, नित निरूपण घन श्याम जगे, व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे। सबको कैसा बनना,
राम जैसा बनना है, राम जैसी मर्यादा, कृष्ण जैसी नीति, कृष्ण जैसा कर्म, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का पालन करना, खुद राम बनना है, खुद ही घनश्याम बनना है, खुद ही शिव बनना है, हनुमान बनना है, हनुमान बन के सेवा करनी, निस्वार्थ सेवा, परमार्थ, खुद विवेकानंद दयानंद बनना, गौतम कणाद जैमी पाणिनी पतंजलि बनना। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति की अभिव्यक्ति हो, तुम उस शाश्वत के प्रतिनिधि हो। सुबह उठ करके हर रोज भारत माता को प्रणाम करना, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वीया, और उस भारत माता के बेटे होने का, बेटी होने का धर्म निभाना, जीवन में कभी निराशा नहीं आने देना। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, राष्ट्र देव भव, इदम राष्ट्राय इदम नमः, ये भाव जगे। चलो अगला अभ्यास, भुजंगासन रोज करना है इसे। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, नितनी गुण घन श्याम जगे, पावन भावन धर्म प्रेरणा, पावन भावन धर्म प्रेरणा, ज्योति पुंज अभिराम जगे, जगे जगे स्वाभिमान संकल्प जगे, देश जगे, देश जगे स्वाभिमान, श्वास उठो भरी ने लंबा गहरा श्वास, ऊपर देखो, कमर के लिए बहुत जरूरी, सर्वाइकल स्पोलाइटिस मीन सिर्फ डिस्क, लंबर स्पोलाइटिस एंकरेजिंग स्पोलाइटिस, कमर में दुखाओ थाय छे, केड दुखे से ता करी लेवानो पछी नहीं दुखे, नेक्स्ट असुर मात्र का काल जगे, रणचंडी विकराल जगे, असुर मात्र का काल जगे, रणचंडी, दोनों तरफ से उठाओ श्वास भर के। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, कालो सिविलो कक्षय प्रवृद्धो लोकान समार्थम यह प्रवृत्ता प्रेत्ति पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता वृत्ति निकेशु योद्धा मया एवेति निहिता पूर्वेव निमित्त मात्र भव सत्य साचि तस्मात् तमुतिष्ठा यशो लभस्व जीत्वा शत्रुं भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम्। मया एवेति निहिता पूर्वेव निमित्त मात्र भव सत्य साचि, मरकटासन का ये पहला अभ्यास करना है, और आपको काल के भार पर एक इतिहास लिखना है, अपना योग धर्म निभाना है, स्वधर्म निभाना है, राष्ट्र धर्म निभाना है, और असुरों का काल साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, और अपने पुरखों ने यही तो किया। अपने को क्या करना चाहिए, अपना जीवन कैसा होना चाहिए, अपने पुरखों जैसा होना चाहिए, जो उन्होंने किया वही करना चाहिए। करो लंबे लंबे सांस भरो, योग करते करते आपका स्वधर्म राष्ट्र धर्म क्या है वो भी बता रहे हैं प्रार्थना के माध्यम से। दूसरा अभ्यास, घुटनों में पंजों में फासला करो, हमारे साथी साथी करो, असुर मात्र का काल जगे, रणचंडी विकराल जगे, शंकर कल प्रलयंकर नाचे, शंकर कल प्रलयंकर नाचे, डमरू तांडव ताल जगे।
राज धर्म की विजय सुनिश्चित। इसलिए ये योग का अनुष्ठान, योग धर्म स्वधर्म राष्ट्र धर्म का अनुष्ठान लेकर के प्रदेश में हम यात्रा कर रहे हैं। दोनों पैरों को मोड़ लो, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लो और ऐसे दबा, घुटनों को छाती से लगाओ, सिर उठाओ, नाक लगाओ घुटनों से। फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना। ये 12 आसन सबको करने हैं। ये माइंड अपसेट है, थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। अपसेट रहते हैं, सेट करना है आपको योग से लाइफ को। आप खुद सेट रहेंगे तो बाकी सब कुछ है सेट हो जाएगा, घर परिवार बिजनेस व्यापार। एक एक पर उठाए फिर बड़ा शून्य बनाना। जिनको मोटापा है ना, वो योगिक जोगिंग वाले अभ्यास, थोड़ा सा पहले जोगिंग करना, फिर दाएं बाएं झुकना, फिर क्रॉस करके झुकना, आगे पीछे झुकना, फिर ये तीन अभ्यास ऐसे करना। थाई बटक सिप्स के लिए, पेट पीठ के लिए, पूरा शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। पांच पांच बार तुम्हारे साथे साथे करो ना, पांच पांच बार तो अभी करो। जिनका ज्यादा वजन है ना, 50-50 बार तक भी बाद में कर सकेंगे, बहुत अच्छा है। फिर दूसरे पैर से योग पूरी एकाग्रता के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ करना चाहिए। पहले योग बोलते थे, योग तो बड़ा नीरस है। अरे योग सरस है, हमने आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गाता हुआ जीवंत योग दिया आपको ना, और ऐसा ही था। ये तो ना समझी से कुछ लोगों ने योग को रहस्य में बना करके दूर कर दिया था जमाने को। लोग बोलते थे योगियों को ही योग करना चाहिए, सन्यासियों को योग करना चाहिए, ऋषि मुनियों को योग करना चाहिए। सांभो सु कहता था, योगियों को योग करना चाहिए, ऋषि मुनियों को योग करना चाहिए, सन्यासियों को योग करना चाहिए। तीसरा अभ्यास ये थाई के लिए, बटक्स के लिए, हिप के लिए, मोटापे के लिए। मेरी बात सांभो, मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा योगियों को तो योग करना ही चाहिए, ऋषि मुनियों को तो योग करना ही चाहिए। वो तो योगी ऋषि मुनि है ही इसलिए कि योग करते हैं। लेकिन सुनो बड़ी बात, जो भी योग करेगा वही योगी हो जाएगा, वही ऋषि मुनि बन जाएगा। इसलिए सबको योग करना है और सबको योगी बनना है, सबको ऋषि मुनि बनना है। हम सब योगियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। पहले लोग कहते थे वेद केवल ब्राह्मण को ही पढ़ नहीं चाहिए। महर्षि दयानंद ने आकर के क्या कहा, महर्षि दयानंद ने कहा वेद केवल ब्राह्मणों को ही नहीं पढ़ने चाहिए, जो भी वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। दे दिया रास्ता, सही रास्ता आगे बढ़ने का। संश्रुति न कमी महिमा, श्रुति न विराधसी, वेदो अखिल धर्म मूलम। थयु न सरस पेट माटे, वेट माटे, वाह। पछि सवासन थोड़ो करी लेजो, उना श्वास भरना, संकल्प से देह को शिथिल छोड़ देना। हमारे संकल्पों का परिणाम ही है जीवन। मैं सन्यासी बना तो मेरे संकल्प ने मुझे सन्यासी बनाया। आप जो भी बनते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, सदाचारी, दुराचारी, मांसाहारी, शाकाहारी, जो कुछ आप बनते हो अपने विचारों से बनते हो। इसलिए विचारों के प्रति जागरूक रहना, सद्विचार, सद्भाव, सद्भावना से भरे रहना। तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्त, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ को नहीं आने देना। परोपे ही मनस्पापकं किमसस्तानि संससि, ओम विश्वान देव सवितर दुरीतान परसव यद्भद्रम तन्नासव आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वता। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल छोड़ देना, ऐसे समासन करना। फिर दोनों हाथों को प्रगड़ करके पूरे शरीर में ऊर्जा का एहसास करते हुए दोनों हाथों को अपने आंखें खोल लेना, बाएं कर उठले की बैठते हैं। आवी रीते बधाना योग करवानो छे। तो योग बहुत सरल है ना,
इसमें जो कठिन कठिन लगा उसको छोड़ देना, उसको अगले जन्म में कर लेना। अगले जन्म में तो आप फिर से बच्चे होंगे ना, जब तक आप बच्चे होंगे तब तक मैं यही रहूंगा। फिर आवता जन्म ना नानपण में मारा पासे आवजो। हाँ मोटा थई ने नहीं, अने आ जन्म में तमे योग करशो ना, इस जन्म में आप योग ये प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है, तो जीवन का शाश्वत प्रवाह है। जो इस जन्म में होगी वही अगले जन्म में होगी। मृत्यु तो नींद की तरह है, रात्रि सोई ने रात को सोकर के अगले दिन उठते हो तो क्या करते हो, जो पहले दिन कर रहे थे, तो अगले जन्म में क्या करेगो, जो इस जन्म में कर रहे हो। तो बोले बाबा जी ये सोनिया गांधी क्या करे, औरत ने पाछा किम पड़ी गया। मैंने कहा भाई हम सन्यासी हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, वो देश के पीछे पड़ी हुई है। आखो हिंदुस्तान लूटी ना क्यों भाई, मोदी जी ने आशीर्वाद आपी दी राहुल ने किम नहीं किया। मैंने कहा जर्सी गाय की बछड़े की तरह किसी काम का नहीं, जर्सी गाय नो बछड़ो होए ना ये कोई काम नो ना होए, ना तो खेत में चाले ना बीजू काम करे। સાંભળો આપણે ભસ્ત્રિકા કરવાનું છે, જો ભગવાન રામજી ભી તાડકા કે પીછે પડ ગયે થે, ભગવાન કૃષ્ણજી ભી પૂતના કે પીછે પડ ગયે થે, રાવણ ઓર કંસ કે પીછે પડ ગયે થે રામકૃષ્ણ, ક્યું વો પાપ કરને લગ ગયે થે। મહર્ષિ દયાનંદ કહેતે ચક્રવર્તી સમ્રાટ ભી યદિ અન્યાયકારી હો જાતા હૈ ઉસકા વિરોધ કરના ચાહિયે, ઉસકા વિનાશ કરના ચાહિયે, ઓર ધર્માત્મા चाहे कितना ही दुर्बल हो उसका सहाय करना चाहिए। ये जीवन का सिद्धांत है। लंबा गहरा सांस भरो, 5 मिनट ऐसे करना, भाव साथे लंबा गहरा श्वास। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्रभु तेरे दर्शन की आस है, मुझे विश्वास है प्रभु तू सदा मेरे पास। अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यते, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यते, तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुरा ततम उमपत्वाग्ने दिवि दिवि दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसे, यदंगदासे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिर, यदग्ने स्याम अहम त्वम तम्माघा स्या अहम स्योष्टि सत्या इहाशिष। प्रभु तेरा अनुग्रह सदा पाऊं, तेरी महिमा सदा गा। लंबे गहरे श्वास भरते जाना, भावपूर्ण हृदय से करना, व्याधियां तो मिटेंगी ही, समाधि लगेगी। मैं बार बार कहता हूं ना कि व्याधियों को तो मिटाना एक बहाना है, तुम्हें समाधि के शिखर तक लेकर के जाना है, रुकना नहीं। उड़ा श्वास भरो, गहरा लंबा श्वास भरना, भावपूर्ण हृदय से करना, एक लय के साथ समर्पण के साथ। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नैने को, देखो चाहत कमल नैने को,
निश दिन राहत उदासी, निश दिन राहत उदासी, अखियां हरि दर्शन हरि दर्शन की प्यासी। ऐसे पांच प्राणों का पोषण होगा, प्राण अपान ज्ञान उदान समान, ये पांच प्राण। कंठ से ऊपर उदान प्राण काम करता है, उससे मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय रहती है, पीछों की पेन ग्लैंड, सिंपैथेटिक पारासिंपैथेटिक का सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम। उदान प्राण के स्वस्थ होने से मस्तिष्क सद्विचार से भरा होगा, सद्भावना से भरा होगा, सत्य संकल्प से ओतप्रोत होगा हमारा मन, तन में मन शिव संकल्प मस्ति। उदान प्राण स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, उसमें सात्विकता होगी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नहीं जाने न सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मन विन्दति। ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक जब हम कर्म करेंगे तो मुक्ति तो होगी, ज्ञान से भक्ति से कृति, ज्ञान से भक्ति से जब कृति होगी तो मुक्ति तो सुनिश्चित है। मैं कह रहा था उदान प्राण स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, आंखें कान ये ऊपर वाला हिस्सा ठीक होगा, प्राण सबल होगा तो थायराइड पैराथायराइड से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के हार्ट और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी नस नाड़ियां ठीक होंगी। और भस्त्रिका के बाद कपाल भाती करो, इससे ये देखो समान प्राण स्वस्थ होगा। समान जाए तो ज्वलनम सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि जठराग्नि, ये तेरह अग्नियां आपकी ठीक होंगी, त्रिदोष आपके संतुलित रहेंगे। समदोषाः समाग्निश्च समधात्मलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः सत्यत्यभिधीयते, सब कुछ संतुलित होगा। समत्वम योग उच्यते, कपालभाति करो। समान प्राण, फिर नाभि से नीचे अपान, देह शुद्ध बनेगा, मलमूत्र परित्याग ठीक से होगा और सारी नसनाड़ियों में व्याप्त है ज्ञान। पंच प्राणों का पोषण होता है प्राणायाम से, पंच कोशों की पुष्टि होती है, अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में कोश परिपुष्ट होंगे, अष्ट धातु पुष्ट होंगी, रस 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 रक्त मांस में अस्सी मज्जा शुक्र रज ओज अष्ट धातु पुष्ट होंगी। पंच कोश पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रियों पर पंच कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा, पंच महाभूतों का संतुलन रहेगा, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश इन पंच तत्वों के संघात से ही तो बना है पिंड और ब्रह्मांड। प्राणायाम से ये सब कुछ ठीक होगा ना, कपालभाति करो ना, लय के साथ हर एक श्वास के साथ ओम ओम का चार, ओम भू ओम भुआ ओम स्व ओम ह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। प्राणायाम से सत्य की अंतिम सत्य शाश्वत अखंड नित्य सत्य की अनुभूति होगी। मैं प्रारंभ में कह रहा था ना, जो आंखों से दिख रहा है सामान्य सत्य है, भौतिक सत्य है, ये क्षणिक सत्य है, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य तो केवल ब्रह्म है।
सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्मेयुदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम इदं वरिष्ठम्। सर्वत्र ब्रह्म तत्व की अनुभूति, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति। द्विभाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च मूर्तम च, सब सुखों में ब्रह्म सुख की अनुभूति। सब कुछ उसी से तो है, सबका रचयिता सबका नियंता वो प्रभु ही तो है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासत्त तद्ब्रह्मेति। हर पल उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति, सब में उसी की अनुभूति। माता पिता बन के वही जन्म देते हैं, गुरु बन करके वही ज्ञान देते हैं, सृष्टि के अलग अलग रूप धारण करके वो परमात्मा हमको सुख दे रहे हैं। सब कुछ उसी का, मैं भी उसी का बन करके जी उसी के गीत गाऊं। इसलिए तो हम एक भजन गाते हैं ना, कपाल भांति करते रहेंगे और उस भगवान की महिमा का अनुभव करना। देखो प्राणायाम करते करते व्याधियां तो मिटेंगी, मैंने कहा था ना, व्याधियों को मिटाना तो बहाना है तुम्हें समाधि तक लेकर के जाना है, कपाल भांति करना। और कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कपाल भांति मेरे साथ करते जाना। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं नहीं पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी, कपाल भांति करते रहना, रुकना नहीं, विश्राम नहीं, विराम नहीं, सतु दीर्घ काल नरेंद्र सत्कार आसेविता दृढ़ होगी। चरेवीति चरेवीति चरण भई मधुबिंद प्रथम संपत्ति, निरंतर आगे बढ़ो जिंदगी में। माना कि पथ में बाधाएं हैं, कंटका कीर्ण है पथ, फिसलन भरी है राह है, बहुत प्रतिकूलताएं होंगी, संघर्ष होंगे, उसमें अपमान भी होगा, पराजय जय मान अपमान इन सब से पार, बस अपना स्वधर्म निभाते रहना, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें एक दिन तुम्हारी मंजिल मिलेगी। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त कवरा निबोधता क्षरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथ सत्कवयो वदन। भगवान के अंग संग रहना, यदंग दास से तुम अग्नि भद्रम परिष्यसि न मे भक्ता प्रणश्यते। जब हम गुरुकुल में गए तो गुरुजी ये मंत्र बार बार हमें सुनाया करते थे, तुंजी तुंजी या उत्तरे स्तोवा इंद्रस्य वज्रनाहोन मंधे अस्य षष्ठति। प्रभो तेरी महिमा अपरंपार, तू ही है सबका आधार, प्रभो तेरी शरण, भगवत शरणागति, प्रभो तेरी शरण। कपाल भाती करते जाना, रुकना नहीं, भक्ति से शक्ति मिलेगी। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापार, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला गुरु वही तो है ना, सही शपूर्वी सामु गुरु कालेन अनवच्छेदा। कपाल भांति उस प्रभु की शरणागति में पूरी तरह तल्लीन होकर के करना, रुकना नहीं, करो ना धीमे धीमे करो। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन
कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कपाल भांति करते करते ना मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होती है, फिर ये शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। अष्ट चक्र अष्टा चक्र नव द्वारा देवानाम पुरायुध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इस देह में अष्ट चक्र है, नव द्वार है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार, अष्टाचक्र नव द्वारा, दो आंखें दो कान दो नाक मुख सप्तर्षि ऊपर पायु पस्थ नीचे, अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पुरायुध्या देवताओं की नगरी अयोध्या है। यह देह देवालय शिवालय है प्यारे, इसको सुरालय न मत बनाना, मांस मदिरा इसमें मत डालना, इसको शमशान कब्रिस्तान न बनाना। तेरे भीतर भगवान है, तेरे भीतर सारा ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है, तो अमृत पुत्र है, ऋषि पुत्र है, तुझे वैसा ही बनना है। उसे प्रभु की महिमा गाते गाते महर्षि दानंद सरस्वती कहते हैं, उसकी स्तुति से उसे प्रीति हो जाती है, प्रार्थना से निराभिमानिता आती है, और उपासना करते करते उस प्रभु के साथ एककार हो जाते हैं, हम शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं, हमारे माध्यम से फिर भागवत शक्ति काम करने लगती है, निमित्त मात्र भव सभ्य साचे, फिर दिव्य जीवन की प्राप्ति। इसलिए मैंने कल गोधरा में कहा था योग के तीन बड़े लाभ हैं, प्रसुप्त शक्तियों को, प्रसुप्त ज्ञान को, प्रसुप्त सामर्थ्य को जगाना, तुम्हें समर्थ बनाना, जो डिजर्नेट में सेल्स है उनको रिजर्नेट करना, प्रसुप्त कोशिकाओं को जागृत करना, और फिर उस अनंत के साथ जब हम जुड़ जाते तो फिर ये व्यष्टि और समष्टि का भेद मिट जाता है, अर्थात उस प्रभु के साथ एककार हो जाते, जैसे यथा नद्यः सन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। कपाल भाती करते करते तुम थक गए होगे, तो चलो अनुलोम विलोम कर लो, ये बड़ा जबरदस्त प्राणायाम, ऐसे जब मैंने बंद करो डाबा की भरो भाव साथे एकाग्रता साथे कर जो सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सृष्टि के अंदर बाहर तू, सौतश्च प्रोतश्च युप्रदास, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते उस प्रभु की महिमा को अनुभव करना, रुकना नहीं, भावपूर्ण हृदय से एकाग्रता के साथ करना। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
मजा करो, किसी को रोकना नहीं है, थकी जाओ ना तो धीमे धीमे कर जाओ, श्रद्धा के साथ करना, प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए उसकी महिमा का ध्यान करते हुए दान करते हुए करना। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ गए, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा। आइए हाथ उठा करके आप भी गाइए, बाहर ढूंढा कहीं नहीं पाया प्रभु, तू तो मेरे भीतर ही समाया था, गाइए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, महर्षि दयानंद की। सुनो ऐसे ना, सुबह उठ करके भगवान की महिमा का ध्यान करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को अपने अंग संग अनुभव करते हुए, हर पल हिरात हे नारायण मैं तुझे भूलो नहीं, तेरा होकर के जियो, तेरे बताए मार्ग पर चलो, संश्रुतेर गमे मही मा श्रुतेर विराधसि मही वास्तु मही। देखो भस्त्री का कपाल भाती, अनुलोम विलोम थोड़ा कराया, अभी थोड़ा बटरफ्लाई कर ले, थोड़ा सूक्ष्म मैम कर ले। हमारे सब पूर्वज क्या थे? योगी। हमारे सब पूर्वज क्या थे? बोलो जोर से तो बोलो, योगी थे, ऋषि मुनि थे। अच्छा बताओ, शेर की संतान क्या होता है? शेर। हाथी की? जोर से तो बोलो मेरे साथी, हाथी की संतान और शेर की संतान, तो ऋषियों के पुत्रों को क्या होना चाहिए? जोर से बोलो तो, योगियों की संतान को क्या होना चाहिए? आज क्या हो गया? योगी की संतान हो गई रोगी भोगी, और घना बदा ऋषि पुत्र शिष्य पुत्र थी गया सांजे पछी सिपी वे ना आवन आव नहीं थवा ना मर भाई, आपने शु थवानो छे, हम ऋषियों की संतान है, हमको क्या होना है बोलो? ऋषि योगी होना है ना। और मैंने बोला पहले लोग बोलते थे योग किसको करना चाहिए, बोलो योगियों को करना चाहिए, ऋषि मुनियों को करना चाहिए, वेद किसको पढ़ना चाहिए, बोलो ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। और मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, ऋषि दयानंद ने क्या कहा? जो वेद पढ़ेगा वही क्या बन जाएगा बोलो? ब्राह्मण बन जाएगा, और जो योग करेगा वही क्या बन जाएगा? योगी ऋषि मुनि बन जाएगा।
तस्मात योगी भव अर्जुन तपस्वीभ्यो अधिको योगी। मेरे साथ सब बोलेंगे, बोलो बता, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। आटली संस्कृत तो आवड़े छे ना, तो बोलो ना, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन क्या हो जा, योगी भव अर्जुन। इतनी संस्कृत तो आती है ना, सबको क्या होना है, योगी भव अर्जुन। सबको क्या बनना है, योगी। जो योगी होगा वो कैसा रहेगा, निरोगी, निर्व्यसनी रहेगा। हाँ, योग और रोग का बैर है, जैसे अंधेरे और उजाले का। सूर्य का उदय होता है तो कहीं अंधेरा रहता है क्या? ऐसे ही जिसके जीवन में योग आ जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई अंधेरा नहीं रहेगा। पैर सामने खोल लो, कितने अच्छे हैं हिम्मत नगर वाले, हो सुबह जल्दी उठ के आए हैं। घना बदा मैंने हम कहता था, बाबा जी ठंड थी गई सी है, उठ से नहीं लो को। मन का जाग से जाग गया है हिंदुस्तान, इतनी ठंड में गुजराती जाग गए ना। अब गुजराती ठंड थी घना बदा भी हुए, हाँ ठंड लगी जैसे बाबा, सर्दी उधरस थी जैसे। और फिर भी हिम्मत नगर वाले हिम्मत करके इतनी संख्या में उठ के आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। खूब बधा तुम्हें सारा छो, बधा बहु आज वाला छो, हिम्मत वाला छो। संभलो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लियो, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करी लो ना, इना थी पण आपको कल्याण थी जाए। मैं हिम्मत नगर साबरकांठा में करीब 20 साल पहले आया था। क्या रे अभी तो हूं अहिया 20 वर्ष पहला, त्यारे तमे अमन अमन नहीं ओळखता था, अने हूँ तमने नहीं ओळखतो हतो। 20 वर्ष पहला क्या आव्यो हतो, अहिया छे ना एक योगी रहे से, आर्य वन, सो क्या भाई आपने ने? आर्यवन ही बोलते हो, आर्यवन पूरी जगह का क्या नाम है, रोजड़, रोजड़ में से ना एक जगह से आर्यवन, त्या वहां पर इस युग के एक महान योगी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज रहते हैं, वहां आया था गुरुकुल कालवा से पढ़ के। और 20 वर्ष के बाद फिर अब तो पूरी दुनिया में योग के संदर्भ में बड़ी जागृति हुई है, और आपके यहाँ तो एक महायोगी रहता है, तो आप कभी कभी वहाँ भी जाना, घना बदा लोग को तीर्थ करवा जावे, चार धाम में जावे, द्वारिका जावे, पची दक्षिण में कन्याकुमारी में जावे, रामेश्वर में जावे, पुरी में जावे, हरिद्वार काशी मथुरा जावे। जहाँ कोई संत रहता है ना, वो सच्चा तीर्थ होता है ना, तो आप भी उधर जाना। आज रोजड़ के उस आर्यवन से, उस दर्शन महाविद्यालय से आज हमारे तेजस्वी ब्रह्मचारी विद्वान आचार्यगण, ऐसी हमारी पावनी परंपरा थी गुरुकुलों की, और वही ऋषि मुनि तैयार होते थे, और वही पूरे देश ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन करते थे। एक बार सबके ओर से सब ब्रह्मचारियों का और हमारे आचार्य गणों का बहुत बहुत अभिनंदन है, एक बार उनका सबके ओर से वंदन है। हमारे सभी ब्रह्मचारी गण और हमारे श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री सत्यजीत जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, ये सब हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार करतर ध्वनि से सबका बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत वंदन। कितना सौभाग्य है कि अपने को संत का दर्शन हो, किसी आचार्य का दर्शन हो, उससे अपने को प्रेरणा मिलती है। चलो अगला अभ्यास करो, गोल गोल ऐसे गोल ना, ये सूक्ष्म व्यायाम है ना। संभलो, संतों के दर्शन से क्या होता है,
संतों के दर्शन से, ऋषि मुनियों के दर्शन से, आचार्यों के दर्शन से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी उपस्थिति मात्र से अपने को प्रेरणा मिलती है ना? कि देखो ये कितना तपस्वी जीवन है, कितना पवित्र जीवन है, ऐसा ही सच्चरित्र जीवन, ऐसा ही पवित्र जीवन हमारा हो, जीवन में पूर्णता आए, जीवन की सारी अपूर्णताएं, जीवन की सारी भीतर की पराधीनताएं, दुर्बलताएं हमारी मिट जाएं, हम शरीर के दास ना बने, इंद्रियों के मन के दास नहीं बने, हम शरीर पर विजय पाएं, इंद्रियों पर विजय पाएं, जितेंद्रिय बने, है ना, और आत्म विजेता बनकर के विश्व विजेता बने। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, कृतम में दक्षिण हस्ते, जयो में सभ्य आहित। चलो ऐसे कर लो, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस्य धातु रजसो विमान अजस्रो घर्म हव्यस्य। विद्वानों के, आचार्यों के, सन्यासियों के, समर्थ गुरुओं के दर्शन करके अपने मूल धर्म की, मूल स्वरूप की हमें स्मृति होती है। हम स्वभाव से ही आनंद में, ज्योतिर्मय, तेजो में, शांति में है ना, बटरफ्लाई करना, लेकिन अपने स्वधर्म से जब जब दूर होते हैं ना, स्वधर्म की जब जब विस्मृति होती है, तब तब ही जीवन में दुख होता है। संभलो, सदा स्वधर्म में जीना है। किसमें जीना है बोलो? स्वधर्म, स्वधर्म एटले आत्मधर्म। स्वधर्म का मतलब क्या है? आत्मधर्म। और आत्मा तो चिति शक्ति अपरिमाणामिनी शुद्धा अनंता चेति, तो आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय आत्मा है, तत्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म का अभिप्राय यही है। दोनों हाथों को सामने खोल लो, इस थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम सब किया करो, है ना, ऐसे। और छोटी छोटी बातें बता रहा था मैं, बार बार कहता हूँ, मेरे साथ सब बोलेंगे, ये अभ्यास भी करते रहेंगे, सब बोलेंगे, एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को फिर अखंड रखेंगे, निभाएंगे। बोलो, मैं योग निष्ठा, जोर थी बोलो तो, योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, अपने जीवन में अखंड रखूंगा, ऐसा भाव सबका होना ही चाहिए। ये निष्ठा का मतलब क्या है? विश्वास, उसमें जीना हर पल, योग निष्ठ रहना। योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उचित। योगस्थ रह करके, योग को केंद्र में रखना, वेद को केंद्र में रखना, गुरु को केंद्र में रखना, सत्य को केंद्र में रखना, स्वधर्म को केंद्र में रखना, राष्ट्र को केंद्र में रखना, ऐसा ये बहुत ऊंचा भाव है। इस उच्च चेतना में सदा जीना। योग करते हैं ना तो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव मोड पर सेट हो जाती है। लंबा लंबा श्वास भरो ना, असूक्ष्म प्राणायाम आटलू ज करसो ना तो तुम्हारो उद्धार थी। पूरी गीता का सार क्या है? नष्टो मोह स्मृतर लब्धा तत्प्रसादान मयाचुता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। पहले अर्जुन निराश था, उदास था, बोले मैं ये कुछ नहीं करूंगा। गांडिवम संस्रते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते नहीं शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमत्येव च मे मनः विपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। बोले मैं ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं ये इनको मार नहीं सकता। मन घना पता किए, स्वामी जी बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं वही कर रहा हूं जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो दयानंद ने किया। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, पापी अनाचारी अन्यायकारी चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उसका विरोध और विनाश करना चाहिए, और धर्मात्मा चाहे कितना ही दुर्बल क्यों ना हो उसका साथ देना चाहिए।
यही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। तो अर्जुन बोला, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य। तो भगवान कृष्ण ने उसको उकसाते नहीं, उसको अपने स्वधर्म का बोध कराते, बोले मार इनको, चाहे चाचा हो तेरा, ताऊ हो, कुछ भी हो, स्वधर्म निभा। जो अन्यायकारी हो गया है उसका विनाश करना ही धर्म होता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, इसी के लिए तेरा जन्म हुआ है। दोनों हाथों को कंट्रोल कर लो। क्लव्यमास्मग्म पार्थ नहि तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ए अर्जुन, कायरता की बातें मत कर, बहुत खराब शब्द है क्लेब्यम। क्लेब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता, ये हिजड़ेपन की बातें छोड़, ये दुर्बलता की बातें छोड़। क्लेब्यम आस्म गम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता है, श्वास भरो। हृदय की क्षुद्रता, दुर्बलता, संकीर्णता, कुंठा से बाहर निकल। स्वधर्मेन धर्म श्रेय, स्वधर्म को निभा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्ष्यसि महिम। फिर जब स्वधर्म की याद दिलाई और उसको कहा कि स्वधर्म के पालन के लिए ही जीवन होता है, तब उसको याद, अरे नष्ट हो, अब मेरा मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, स्मृत रब्धा, अब मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि ततो आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तसा रथिं विद्धि मन प्रक्रमेव च इन्द्रियाणि हयानाहो विषयास्ते सुगोचरान् आत्मिंद्रिय मनोयुक्तम भोक्त्या हित्याहुर मनीष। सांभळो, तमे शू छो, मैं कौन हूं, ये प्रश्न बड़ा गहरा होता है, लेकिन जीवन भर अनुत्तरित सा रहता है। ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कराए, चलो अब फिर से प्राणायाम कराते हैं, रोग तो मिटेंगे, वो तो मिटाने ही है। सांभळो बदा अकर्जो दर रोज, क्या होगा इससे, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। ततक्ष्यति प्रकाश श्रवण, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि दयानंद ने, सब ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की बहुत महिमा कही है। प्राणायाम निष्ठापूर्वक करना चाहिए, एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए, विवेक वैराग्य पूर्वक करना चाहिए। विवेक वैराग्य षट संपत्ति शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व, ये मुक्ति के मार्ग है। अभीप्सा त्याग समर्पण, एस्पिरेशन रिजेक्शन एंड अनकंडीशनल सरेंडर। तपस्वाध्याय ईश प्रधानानि क्रिया योगा, तप प्राणायाम परमम तप। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है, प्राणायाम का तप ओंकार का जप। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना ओमित्य काक्षरम ब्रह्म। ओम ओम का जप करना, प्राणायाम का तप करना, तपस्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय के द्वार था प्रणवादि पवित्राणाम जप, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब अपने केंद्र से जुड़े रहना, तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, ईश्वर प्रधान और भगवत समर्पण, ये क्रिया योग है। इससे फिर योग को अलग अलग रूपों में, काष्टांग योग कहो, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह शौच संतोष। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि सर्वसुखम आसनम। ये योग की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, चाहे उसको योग समाधि कहो, चाहे उसको क्रिया योग कहो,
अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म करना, पुरुषार्थ करना, उसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहो, अकर्मा दस्यु। अब ये योगिक कर्म हो रहा है, ऐसे ही फिर कृषि कर्म होगा, व्यवसाय कर्म होगा, परिवार कर्म होगा, बस उसको ज्ञान और निष्ठा पूर्वक करना। अब ये योग कर्म भी पूरी तन्मयता के साथ करो, है ना। मैं प्राणायाम मंत्र कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तुम्हें ज्यादा मंत्र नहीं आते ना तो परेशान मत होना, सब मंत्र तो तुम्हारे ही भीतर है। यस्मिन् रचसामिजंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारा यस्मिन् चित्तं सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सब भेद सब ज्ञान तुम्हारे ही भीतर है, आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा सदा उठती रहती है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब भी कोई काम करते हो ना तो गलत काम करते समय भय शंका लज्जा, एक अंदर से एक आवाज आती है उस परमात्मा की, वो परमात्मा रोकता है, आत्मा में बैठा वो परमात्मा कहता बेटा ऐसा मत कर, इस रास्ते पर मत चल। तो आत्मा में बैठे उस परमात्मा की आवाज को, प्रेरणा को, पुकार को सुनना और जिधर जाने से परमात्मा रोके उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाना, यही धर्म है। और आनंद उत्साह निर्भयता, आत्मा में बैठा वो परमात्मा हमारा साथ देता है कि बेटा आगे बढ़, तो उधर बढ़ना, चाहे सारा जग बैरी हो जाए, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति साम्राज्य हमारे सामने खड़ा हो पड़ा हो और अंदर से आवाज आती हो इधर कदम नहीं बढ़ाना तो मत बढ़ाना, और चाहे सारा जमाना, सुन लो, सारा जमाना बैरी हो जाए, सारे जमाने की विपत्ति सामने हो, पहले तो कह रहा था सारे जग की संपत्ति हो, सारे जग की सुख सुविधाएं, धन दौलत ऐश्वर्य सत्ता संपत्ति सम्मान संभोग सुविधाएं जिनके पीछे दौड़ रही है दुनिया, ये सारी सामने पड़ी हो और अंदर से आवाज आती है धर्मात पढ़ तो मत पढ़ना, और सारी दुनिया बैरी हो जाए, जग बैरी हो जाए, सारी दुनिया की विपत्ति सामने हो और अंदर से आवाज आती है उधर बढ़ तो उधर बढ़ना, यही हमारे पुरखों ने किया, यही यही है धर्म। मैं कह रहा था प्राणायाम करोगे ना तो रोग तो रहेगा ही नहीं, ये तो हमने मिटा दिए रोग पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के, जिसने योग किया उसको रोग नहीं रहा। मैं इससे पहले जब शिविर कर रहा था तो अभी लोनावाड़ा में गया तो वहाँ बेन आई, लीला बेन, लीला बा की है मलिकपुर गांव में हती कि बाबा जी मुझे मूत्र नली का कैंसर था, एक साल से प्राणायाम करती हूँ, वो कैंसर ठीक हो गया। पची काले तमे गोपी बेन ने सांभ्यो हसे, उसके शरीर में 18 गांठे, उसको लिम्फोमा कैंसर बोलते हैं, कैंसर के बहुत प्रकार होते हैं, TLC WBC RBC गड़बड़ हो जाए तो इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, शरीर में गांठे हो जाएं लिम्फोमा, पची ये मल्टीपल भी हो जाता है कई तरह का, फिर लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, यूट्रस का, ओवरी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, आजकल तो फिर ब्रेन का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, स्किन का कैंसर, डिफरेंट प्रकार के कैंसर होते हैं। जैसे ही बॉडी का साइकिल गड़बड़ हो जाएगा ना, वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, TB हो सकती है, भीतर की पिनक्रियाज के सेल डिजर्नेट हुए तो डायबिटीज होगी, स्किन सेल डिजर्नेट हुए तो सोरासिस हो गया, लिवर सेल डिजर्नेट हुए तो लिवर सिरोसिस हो गया, यही होता है सब। हड्डियों के सेल्स में डिजनेशन, ऑस्टोप्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट, सेल्स के इम्बैलेंस और फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो अर्थराइटिस हो गया, यही बीमारियां हैं, डिजनेशन इज डिजीज। प्राणायाम करने से ये सब ठीक हो गया, तो उसका वो 18 गांठ घुल गई और 2006 से वो गोपी बहन अब प्राणायाम कर रही है। बोले बाबा जी मैं विदेश में थी तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि मरेगी, तो मैंने TV पर वहीं देखा आपको अमेरिका में ही, और फिर हिंदुस्तान आ गई कि मरना ही है तो हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में कोई मरता है तो कम से कम उसके आगे स्वर्गीय लग जाता है, से स्वर्ग में जाए या ना जाए तो मारे से ना हिंदुस्तान में जाई ने मरवानो छे, लेकिन बोले बाबा मैं मरी नहीं, नमरिष्यति नमरिष्यति मा विभे। बोले आप बोलते थे जो डरा वो मरा, जो नहीं डरेगा वो नहीं मरेगा, मैंने योग करना शुरू किया और आपने बोला था कि योग तो कल्प वृक्ष की तरह है, मैं करने लगी और मेरा वो कैंसर ठीक हो गया। ऐसे तो फिर एक सुजाता बहन आई, उसको ब्रेस्ट कैंसर था,
એ તો તમે દરરોજ સાંભળાવશો, એમાં કોઈ મોટી વાત નથી. એ તો અહીંયા પણ ઘણા બધા હશે. એસે પ્રાણાયામ કરના, રોગ તો રહે કઈ નહીં, રોગ તો મટશે જ મટશે. અનેક જન્મો કા કર્માશય ઓર જો સંસ્કાર જો સંચિત હૈ ના ઉનકા ભી પ્રતિપ્રસવ, ઉસકો પ્રતિપ્રસવ સાધના કરકે કહેતે હૈ આજકલ બહુત પ્રસારિત હો રહા હૈ પ્રતિપ્રસવ સાધના. પ્રાણાયામ સે ધ્યાન સે એ સારે ક્લેશ દગ્ધ હો જાતે. થાકી ગયા? થાકી ગયા? ધીમે ધીમે પછી અભ્યાસ બઢાના હૈ ના. કલ સબ પરિવાર કે સાથ, બચ્ચો કે સાથ આયેંગે. અભી પૂરા યોગ કરાને કે બાદ હી જાયેંગે, પૂરા કરના હૈ ના. કપાલ ભાતી કે બાદ જો યે પ્રાણાયામ હોતા હૈ એસે. તમે પણ કરશો ના? પણ બાબાજી પેટ છે ને જાડા જાડા થઈ ગયા છે, અંદર જાતું નથી. એક કપાલભાતી સે પેટ હલકા હો જાયેગા, ફિર અગ્નિસાર કરના. પેટ હલે છે, પેટ હિલાના ગતિ સે શક્તિ મિલતી હૈ. ગતિ સે ક્યા મિલતે બોલો? જહાં હોગી ગતિ વહાં હોગી, જોરથી તો બોલો, ગતિ સે ક્યા મિલેગી? ઓર બિના ગતિ કે દુર્ગતિ. હમારી દુર્ગતિ હો રખી હૈ, ગતિ નહીં, મતિ નહીં. પૂરા સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ હિલતા હૈ. સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ ઠીક રહે ના તો સ્ટેટ ભી ઠીક રહેતે. 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ठीक करना है और वहां एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाना है. लावानो छे ना, मोदी ने त्या बैठाड़वानो छे ना. एनाथी शू थशे? एनाथी एक पूर्ण बहुमत वाली, ईमानदार, अनुभव वाली, स्थायी और मजबूत सरकार होगी तो देश की व्यवस्था बदलेगी, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा. इस भारत को ऋषियों का देश बनाना है दोबारा से, ये करके दिखाना है. देखो भैया, अपना कोई किसी से स्वार्थ नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अपने को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपना देश चाहिए, अपना धर्म चाहिए, सत्य चाहिए, न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए. इसके लिए सबको संगठित होना. संगच्छध्वं सम्वदं. सांभळो आछे ना, आ तो हळवू छे, एनाथी पण भारे क्रिया छे. ए तो अग्निसार बोलते हैं, अग्निसार क्रिया. एक और क्रिया होती है, उसको बोलते हैं नोली क्रिया. सो नाम छे नो, तमे पण करशो? भले जोई लो पछी थाई थाई तो करी करवानु. हां जो आम छे, पहले पहले जोई लो. हां इसमें तो थोड़ा सा समय लगेगा है ना, अभ्यास होगा तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे थई जैसे है ना. पछी उज्जाई प्राणायाम, ये बहुत अच्छा है गले के लिए, थायराइड के लिए. घना बदा नक्सोरा फोड़े रात्रि ना, ओ आका घर ने हैरान करी ना के. तो कपाल भाती ने उज्जाई करो ना. એનાથી પછી સ્નોરિંગ, આ નસકોરાની પ્રોબ્લેમ, થાઇરોઇડ કી પ્રોબ્લેમ, ટોન્સિલ કી પ્રોબ્લેમ, ગલે કી ખરાબી, સરદી, ઉધરસ, ઘણી બધી થાય એમ. ચ્યવનપ્રાશ ખાજો, થોડું દૂધમાં હળદર શિલાજીત લેજો અને પ્રાણાયામ કરજો, કપાલ ભાતી ઉજ્જાઈ કરજો. થાઇરોઇડ કી પ્રોબ્લેમ, ટોન્સિલ કી પ્રોબ્લેમ, ગલે કી પ્રોબ્લેમ હોગી નહીં. શ્વાસ ભરો,
आवाज साथे करुण पूरा भर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं। बाह्य प्राणायाम में तो तीनों बंद लगते हैं, जालंधर बंद, थोड़ी को कंठकूप से लगाना, उड्यान बंद, पेट को पीठ से लगा देना खींच के, पछि मूल बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। लेकिन उज्जायी प्राणायाम में ये लगेगा, मूल बंद तो लगा सकते हैं, उड्यान बंद उसमें नहीं लगेगा, जालंधर बंद और मूल बंद लगा सकते हैं। सांस भर के थोड़ी देर रोक के रखो ना, करो ना। ख्याल आव्यो? तो एक बार करीने जुओ तो खरा, सांस अंदर भरो, भरते समय आवाज करो, बाहर छोड़ते समय ऐसे नहीं करना आ उदू थयु, ये उल्टा हो गया, अभी रीते नहीं। एक बार करीने जुओ तो, करके देखो तो सही होगा, धीरे धीरे होगा, अंदर भरते समय आवाज, ये प्राणायाम है उज्जायी। क्या नाम है इसका बोलो? फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत करेंगे, थोड़ी बार कर सो ना, अभ्यास करो। देखो एक बात सुन लो, मैं ऐसे निष्कर्ष के रूप में छोटी छोटी बातें कहता हूं, एक अच्छा अभ्यास, एक अच्छी आदत आपकी सारी बुरी आदतों को ठीक कर देती है, और एक बुरी आदत सारी जिंदगी को बुरा बना देती है। सुबह जल्दी उठना, योग करने की आदत डालना, सारी बुरी आदत बंद हो जाएगी। देर से उठना, ज्यादा खाना, उल्टा पुल्टा सोचना, रोंग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, सब कुछ बोला था ना। चलो थोड़ी देर कर लो, थोड़ी बार करो ना, अभी मेरे साथ करोगे तो आज करोगे तो फिर रोज करने की आदत पड़ेगी ना कल, अभी दो दिन मेरे साथ करेंगे फिर हर दिन करेंगे। चलो करो, आंखें बंद करके ना थोड़ी देर भाव से करना। मैंने कहा योग तो कल्प वृक्ष की तरह है, भगवान की भक्ति ये कल्प वृक्ष की तरह है, और फिर हमारे संकल्प पवित्र होंगे, फिर जीवन में जो हम चाहेंगे वो हम पाएंगे और वैसे ही बन जाएंगे।